हेलो फ्रेंड्स, आपने मछली की बहुत सारी रेसिपी खाई होगी। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो ना ही आपने खाई होगी, ना सुनी होगी और ना ही देखी होगी। तो चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, मछली को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसको क्या करने वाले हैं, देखते रहिए हमारे साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्राई किए हुए मछली को मैंने सिलपट्टे पे पीसना स्टार्ट कर लिया है। देखिए इस तरीके से हमें बारीक करके इसे पहले पीस लेना है। देखिए इस तरीके से। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमें पीस लेना है। तो आज मैं नहीं बना रही हूँ, मेरा थोड़ा तबीयत खराब है ठंड की वजह से, तो मेरे हस्बैंड बना दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी ठंड में बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी शेयर कर दूँ, थोड़ा मेहनत कर लूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको पीस लेना है। पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर कोई बात नहीं, जब ये बन के तैयार होगा तो सारा मेहनत वसूल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ब्रेड का 4 स्लाइस ले लिया है, इसमें मैं इसे पीस लूँगी। बारीक दरदरा सा हमें इसे पीस लेना है। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। देखिए मछली पिसा हुआ हो गया है। अब इसी में हम हरी मिर्च पीस लेंगे, इसमें 2 और कुछ कलियां लहसुन के और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। ये सारी चीजों को हम इसी सिलपट्टे पे पीस लेंगे दोबारा से बारीक करके। तो चलिए इसे भी हम पीस लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बड़ा सा इस तरीके का बर्तन आपको ले लेना है। ये देखिए, सारे मछलियों को मैंने पीस लिया है और ये रहा हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट जो मैंने इसी में डाल लिया है। तो सारे चीजों को हम इस तरीके से इसी बाउल में डाल लेंगे। अब देखिए नमक डाल देंगे हम इसमें, 1/2 चम्मच मैंने नमक लिया है। तो इसी हिसाब से आपको नमक डालना है जितना की जरूरत हो। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच बेसन। तो फ्रेंड्स, बेसन की जगह आप चाहो तो चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए ये जो ब्रेड मैंने पीस लिया है, इसका भी हम 3 चम्मच ही डालेंगे इसमें। देखिए देखिए, थोड़ा सा ही हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। सारे चीजों को हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, जिस तरीके से पकोड़े के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं इसको कटलेट बनाते हैं या फिर कोफ्ते बनाते हैं, उस तरह का हमें मिक्स कर लेना है बाइंडिंग आने तक। तो चलिए हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, हाथों की मदद से ही आपको मिक्स करने लेना है सारे चीजों को, चम्मच से नहीं करना है, नहीं तो फिर ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो अपने हाथों से ही आपको इसमें मिक्स कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का डो हमको तैयार कर लेना है मिक्सर का। देखिए हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, देखिए, है ना। जब इस तरीके का हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है मिक्सर इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरीके का शेप में बना लेना है। देखिए मैं आपको एक करके बता रही हूँ किस तरीके से करना है। इस तरीके से बैटर को लेना है, फिर जाके इसको इस तरीके से पेड़ा टाइप का बना लेना है, फिर उंगली की मदद से इसमें देखिए इस तरीके से गोल बना देना है। देखिए भाई दिख रहा है। तो इसी तरीके से हम सारे पीसेस को तैयार करके फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको पलटते हुए फ्राई कर लेना है। देखिए कलर इसका दिखा रही हूं मैं, देखिए इस तरीके से आपको बना के सारे तैयार कर लेने हैं। ये तो लग रहा है बिल्कुल गुलाब जामुन जैसा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार और तैयार करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है और सारे फ्राई कर लेना है एकदम ब्राउन कलर का।
फ्रेंड्स जैसे एक तरफ पक जाए उसके बाद आपको इसे पलट देना इस तरीके से। एक ही बार में कई आप फ्राई कर सकते हैं इसमें। देखिए दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से हमें ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए दोनों तरफ से ब्राउन कलर का हो चुका है, अब सारे निकाल लेंगे हम। तो फ्रेंड्स छोटी मछली की रेसिपी तो आप यूट्यूब में बहुत ही देखे होंगे और ट्राई भी किए होंगे, तो ये रेसिपी मैं पहली बार ही लेके आई हूँ, आप पहली बार ही देखे होंगे यूट्यूब में, तो ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही मज़ेदार लगती है ये खाने में। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स सारे पीसेस फ्राई हो चुके हैं, देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है देखने में। तो फ्रेंड्स आप वैसे भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, देखिए एकदम डोनट के जैसा लग रहा है देखने में, बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं, इसी तरह से ही खा लेते हैं, हमारे घर में भी बच्चे खा लिए। तो चलिए इसका ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो तेल यही हमारा यूज में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए तड़के के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 1/4 चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग। इसके बाद हमें डाल देना है इस तरीके से कट किया हुआ प्याज। तो फ्रेंड्स मैंने बड़े साइज का 2 प्याज का इसमें इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। तो सारे प्याज को हमें डाल देना है, इसको चलाते हुए हमें ब्राउन होने तक भून लेना है सुनहरा कलर। तो चलिए प्याज को भून लेते हैं। तो देखिए प्याज को हमें इसी स्टेज तक भुनना है, ज़्यादा हम नहीं भुनेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कट किया हुआ आलू। तो फ्रेंड्स मैंने 2 मीडियम साइज का आलू लिया है, जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। तो इस आलू को हमें इसमें डाल देना है। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर। देखिए 2 मीडियम साइज का मैंने टमाटर लिया है, जिसको उसी तरीके से मैंने कट कर लिया है। दोनों चीज़ों को मिलाते हुए हमें इसे चलाते हुए मिला लेना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो फ्रेंड्स जितना आप ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे उसी हिसाब से एक ही बार में आपको उसमें नमक दे देना है। आप कम ज़्यादा बाद में भी टेस्ट करके चेक कर सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इस टाइम में आपको नमक दे देना है, ताकि प्याज और टमाटर गल जाए और अच्छे तरीके से पक जाए। इस तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेना है हमें। इसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसके बाद हम इसे ढक के पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। देखिए फ्रेंड्स ये धनिया पत्ता है, जो मेरे हस्बैंड ने 4 दिन पहले लाए थे, तो अभी भी हरा भरा है। तो ये कैसे है अब तक हरा भरा, ये अगर सीक्रेट आप लोगों को जानना है तो कमेंट जरूर से कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। तो देखिए आलू टमाटर प्याज को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है, इसे हम चला देंगे। चलाने के बाद हमें इसे फिर से ढक देना है। तो देखिए फ्रेंड्स प्याज और टमाटर बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे मसाला। तो देखिए उसी सिलपट्टे पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया था, अब हम इसको इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर
इसके बाद एक चम्मच हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो फ्रेंड्स, तीखा और नमक आप अपने हिसाब से ही कम ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपको जितनी ज़रूरत हो आप उसी हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। सारे चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मसाले को अच्छे तरीके से पकने तक हमें इसे भून लेना है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है खाने में, आप ज़रूर से ट्राई करना, और कैसी बनी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स देखिए, मसाले को आपको बीच बीच में चला देना है इस तरीके से। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये देखिए हरा प्याज। तो फ्रेंड्स, हरा प्याज जो है ये मैंने अदरक से मंगाया नहीं है, प्याज जो रखा था उसी में ये देखिए इस तरीके से निकल आया है। तो मैं इसे फेंकी नहीं, इसे मैं इस्तेमाल में ले लूँगी, ये बहुत ही अच्छा लगता है सब्जी में। तो ये हम डाल देंगे, तो आप लोग भी मत फेंकना, इसे इस्तेमाल में ले लेना। ये जो हरे प्याज है ना, इसकी पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है, आप इसके पकौड़ी बना के भी खा सकते हो, बहुत ही अमेजिंग लगती है खाने में। तो इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है, उसके बाद कुछ देर और हम इसे ढक के पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला एकदम तैयार हो चुका है, मसाले से तेल अलग हो चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी। तो जब आप पानी डालें तो गैस का फ्लेम फुल कर दें। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी जो है आप जब भी बनाएं सिलपट्टे पे ही पीस के बनाएं, मिक्सी में ना पीसें, क्योंकि अगर आप मिक्सी में पीसोगे तो इसके जो कांटे हैं वो रह जाएंगे। इसीलिए आप जब भी बनाएं ये सिलपट्टे पे बनाएं, सिलपट्टे पे बना के ही ये अच्छी बनेंगी। फिर बाद में आप मुझसे मत कहना कि बनाया तो सही पर अच्छा नहीं बना। तो जैसे जैसे मैंने बनाया है आप वैसे वैसे ही बनाना, बहुत ही अच्छी बनेंगी, ये मेरी गारंटी है। अगर अच्छी ना बने तो कमेंट करके आप मुझे कह के जाना। तो चलिए, अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। तो देखिए, ग्रेवी के लिए बस मैं इतना ही पानी रखूंगी, ज़्यादा हमें नहीं डालना है, इतना बहुत है। उबाल आने तक कर लेंगे हम इंतज़ार। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने के बाद इस तरीके से हमें थोड़ा सा मिक्स कर देना है। इसके बाद ये सारे पीसेस को हमें इसमें डाल देना है। चला देंगे इसके हल्के हाथों से। इसके बाद हम 1 से 2 मिनट ही इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, बनके हो गया है तैयार, गैस का फ्लेम कर देंगे हम बंद। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है, मछली है पर दिखेंगी नहीं, काटे हैं पर चुभेंगी नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ आप इतना सा काम जरूर से करेंगे, और फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, और अच्छे अच्छे डिशेस बनाते रहे और खाते रहे और एंजॉय करते रहे। तो ठीक है बंधुरा, आबार देखा होबे आबार नतून कोनो रेसिपिर संगे, ततक्षण।
ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর নিত্য নতুন রেসিপি এনজয় করতে থাকো টাটা।